नमस्कार, मैं हूं सुचित्रा और आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। बोलेंगे, चलिए। नमस्कार, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। आज हम सिंगरौली जिले के मोरवा शहर में आए हुए हैं। मोरवा शहर में जैसा कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए कुछ लोग देखिए डंडा लेके उधर दिख रहे हैं, जो पुलिस का सहयोग में यहाँ लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन हो इसके लिए वो डंडा लेके खड़े हैं। कुछ लोग ऐसे समाज से भी यहाँ खड़े हैं जो देखिए राशन जो है गरीब तब तिहाड़ी मजदूरों को राशन लेकर, ये देखिए स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, इसमें ये राशन भर के और जगह जगह जाते हैं। जहाँ इनको गरीब तबके लोग दिखते हैं वहाँ ये राशन का वितरण करते हैं। आप देख सकते हैं ये राशन इनको दिया जा रहा है ताकि लॉकडाउन में जो मजदूर हैं वो काम पूरी तरह से बंद है, उनको खाने पीने में दिक्कत हो रही है, तो इन समाज सेवियों के द्वारा इस तरह का प्रयास किया जा रहा है ताकि 21 दिन के लॉकडाउन में जितने जो काम बंद हैं तिहाड़ी मजदूर गरीब तबके लोग हैं उनको दिक्कत ना हो सके। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है। अभी आपके द्वारा इनको राशन दिया गया है, इस विषय को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, देश में आई हुई विपदा कोरोना के नाम से जो आई है उसमें गरीब तबके के लोग जो है अचानक बेरोज़गार हो गए हैं और उनके पास रोज़मर्रा के लिए भोजन का व्यवस्था नहीं है। हम लोग जो मोरवा के यूथ हैं वो हर जगह जा जा के लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं राशन ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रह पाए। सरकारें जो कर रही हैं उनके साथ साथ कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है और जो बहुत फंसे हुए हैं, तो हम लोग उनको राशन दे रहे हैं ताकि वो अपने घर में रहें और भूखा ना रह पाएं। देखिए, इनका कहना है कि जो 21 दिन का लॉकडाउन है, तिहाड़ी मजदूर रोज़ अपना काम करके अपनी जीविका चलाया करते थे, उनका काम पूरी तरह से अभी बंद है, तो उनकी जो भोजन पानी की व्यवस्था नहीं हो पाता था। ये समाज से भी हैं, ये गाड़ी में भर के और जगह जगह चल रहे हैं जहाँ इन्हें गरीब लोग दिखते हैं, तो ये पूरी तरह से मदद करने के लिए आए। इस समय देखिए ये पुलिस की गाड़ी आ रही है, आपको दिखाना चाहेंगे। लॉकडाउन में सायरन बजाते हुए लगातार ये पुलिस की गाड़ी जो है रोड में जाती है ताकि लोग घर से बाहर ना निकलें और लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो। कोरोना को आपको बता दें, कोरोना को अगर हराना है तो 100% लॉकडाउन का पालन करना है। आइए हम इन लोगों से मिलवाते हैं, आप देख सकते हैं डंडा लेके खड़े हैं। इनका सोच ये है कि जहां पुलिस नहीं पहुंच पाती है ये पुलिस के सहयोग में यहां पर खड़े हैं ताकि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन हो, लोग घर के अंदर रहें, घर के बाहर ना निकलें। आइए हम इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है। हमारा कहना ये है सर कि हम लोग जो कर रहे हैं ये अपने कार्य में सम्मिलित हैं सभी लोग। यह कार्य 10 रोज से हम लोग चल रहा है। हम हैं सुनील शर्मा जी हैं, अखिलेश जी हैं और भी हमारे मित्रगण हैं। तो यहाँ आप लोग जो है कब से खड़ा होना शुरू किए? ये 23 तारीख से हम लोगों की कार्यक्रम चालू है। देखिए, इनका कहना है आज लॉकडाउन का 11वां दिन है, 11 दिन से लगातार ये लोग यहाँ पे डंडा लेके खड़े रहते हैं ताकि लोग बेवजह रोड पर न घूमें, बिना काम के रोड पर न घूमें, घर के अंदर रहें, लॉकडाउन का पालन कर सकें। आइए हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है। नमस्कार, मेरा नाम अखिलेश यादव है। हम लोग यहाँ पे लास्ट 10 दिन से यहाँ पे हैं, जब से मोदी जी ने अनाउंस किया है तभी से, और हम लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि अपने कॉलोनी में भीड़ इकट्ठा ना हो, लॉकडाउन का पूरा पालन करें और जितने लोग भी यहाँ पे फालतू घूमते रहते हैं उनको हम लोग मना कर रहे हैं, पोलाइटली मना कर रहे हैं, एकदम प्यार से मना करें, कोई डांट फटकार करके नहीं, और मान भी रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है। 80% से ज़्यादा लोग यहाँ पे, वैसे हम लोग ने इतना मेहनत किया है कि वो हो गया, और हम लोग 4 से लेकर रात के 8:30 बजे तक बिल्कुल यहाँ रहते हैं। बस कोशिश यही है कि लोगों को समझाया जाए और यहाँ पे ना रहें, भीड़ ना इकट्ठा करें, और हम लोग अवेयरनेस दे रहे सभी को और बहुत अच्छे से पालन किया जा रहा है, और हम लोग यही
कोशिश की है और हम लोग अपने कॉलोनी में भाभी हैं, आंटी हैं, मैडम हैं, सभी को मास्क प्रोवाइड किए हैं बनाने के लिए, कपड़ा दिए, मास्क भी हम लोग बांट रहे हैं सभी को, मोमबत्तियाँ भी, जैसे कि मोदी जी ने कल बोला है रात के 9 बजे से जलाना है 9 मिनट के लिए, तो आज हम लोग मोमबत्ती भी लेके आए हैं। और इसमें हम लोग का कोई पॉलिटिक्स नहीं है, हम लोग यहाँ पे घर के लोग हैं, ना ही हम लोग किसी पार्टी से हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी दिली इच्छा से अपने कॉलोनी को, अपने इंडिया को अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कोई पॉलिटिक्स से नहीं है, किसी पार्टी से नहीं है, ये समाज सेवी हैं और कहीं ना कहीं इनके द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है। इनका जो ये आप देख सकते हैं कि आज लॉकडाउन का 11वां दिन है, 11 दिन से लगातार ये लोग यहाँ खड़ा होकर लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी सराहनीय कार्य है। और आपका क्या कहना होगा इस लॉकडाउन को लेकर? नमस्कार, मैं सुनील शर्मा। देखा मैंने प्रशासन के पास से आदि हो तो पुलिस फोर्स की कमी लगी मुझे, तो लगा पूरा पालन नहीं हो पा रहा, तो मैं स्वयं आया था, तो साथ में मेरे यादव जी भी ने भी साथ दिया, फिर धीरे धीरे 4-5 लोग और इकट्ठे हो गए, तो सहयोग मिला हम लोगों को। बहाने बहुत हैं लोगों के पास, सर दर्द की गोली नहीं है मेरे पास, पेट दर्द की गोली नहीं है, तो मैंने जेब हम लोगों ने सर दर्द पेट दर्द की गोली भी खरीद के लिया हम लोग, कि ताकि ये दिक्कत ना होगी, बहाने के कारण लोग ना जा पाइए। हमारे पास गोलियाँ हैं, टेबलेट्स रखा हम लोगों ने सर दर्द की, आप लोग गोली कम से कम रख लो। मास्क लिया हम लोगों ने, आज कुछ कैंडल लिया है, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान जो किया है कल रात में 9 बजे मोमबत्ती जलानी सभी को, तो कैंडल कहाँ है ये हमारे पास, ये देखिए कैंडल पड़े हैं। देखिए, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि कुछ मास्क के लिए भी ये आर्डर दिए हैं, ताकि कई गरीब ऐसे लोग हैं जो मास्क नहीं खरीद सकते, सैनिटाइजर नहीं खरीद सकते, और ये आप देख सकते हैं ये मोमबत्ती है। कल मोदी जी ने जनता को संबोधन करते हुए जो है 5 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, टॉर्च, लाइट, मोबाइल का फ्लैश जलाने का जो है आग्रह किए हैं, उसको लेकर इनके द्वारा मोमबत्ती का वितरण किया जा रहा है, मास्क ये आप देख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं काफ़ी सराहनीय कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। ये अगर इस तरह से होता रहा तो निश्चित रूप से कोरोना को जो है यहाँ से भगाया जा सकता है, और इनका जैसा सोच है कि पुलिस का सहयोग किया जाए ताकि 100% लॉकडाउन का पालन हो सके। हमारे साथ और कई लोग बने हुए हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। इन लोग जो है गाड़ी में राशन लेकर घूम रहे हैं, गरीब तिहाड़ी मजदूर जहां भी मिल रहे हैं इनके द्वारा राशन वितरण किया जा रहा है, आइए हम उस बात को लेकर इनसे बात करते हैं, इनका क्या कहना होता है। जी, मेरा नाम अरशद अनवर है, और देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम गाड़ी में लेकर राशन घूम रहे हैं, और जहाँ भी जैसी सूचना मिलती है, जो लोग भूखा बैठा हुआ है या कोई बच्चा जो है परेशान है, तो उस हिसाब से हम लोग उनकी मदद करते हैं, और राशन जो है हम लोग द्वारा लगातार वितरण किया जा रहा है। जैसे जैसे सूचना मिलती, अभी हम लोग यहाँ पर आए थे, यहाँ पे पता चला था कि 3-4 लोग यहाँ पे राशन के लिए बैठे हुए हैं सुबह से, तो हम लोग देने के लिए आए थे। देखिए, कहीं ना कहीं ये काफ़ी सराहनीय कार्य है, जैसा इन लोगों ने गाड़ी में राशन लेकर घूम घूम के तिहाड़ी मजदूर गरीब तबके लोगों को राशन वितरण कर रहे हैं। इन लोगों ने 11 दिन से लगातार यहाँ पे लाठी डंडा लेके लोगों को, इनका कहना है कि प्यार से समझाया जा रहा है उनको, लाठी डंडा मारा नहीं जाए, प्यार से समझाया जा रहा है कि आप घर के अंदर रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए ताकि कोरोना से निजात मिल सके। आइए यहाँ लिटिल फ्लावर स्कूल के जो है प्रिंसिपल हमारे साथ बनी हुई है, आइए इनसे बात करते हैं कि इनका क्या कहना होता है, क्योंकि इन्हीं के घर के पास चौराहे पर इस तरह से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए समाज सेवी उतरे हैं, एवं जो है गाड़ी में राशन लेके गरीब लोगों को राशन बांटने के लिए भी लोग यहाँ मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से 11 दिन से लगातार इस कार्य को ये देखती होंगी, तो इस विषय को लेकर इनका क्या कहना होगा? हमारा यही कहना है कि हम लोग लॉकडाउन अभी तक करते रहेंगे यहाँ पे ड्यूटी, जब तक कि पूरा ख़त्म नहीं जाता है, लोग समझते नहीं हैं, इसलिए हम लोग को खड़े होना पड़ता है, लोग समझ जाए तो हम लोग को इतना करना पड़े। अब जब तक हम लोग करते रहेंगे, 21 दिन का हम लोग ने प्रण किया है वो करेंगे, और कल रात में 9 बजे 9 मिनट तक हम लोग अगर बत्ती ले करके या मोमबत्ती जो भी हम लोग के पास सुविधा रहेगी वो हम लोग ले करके खड़े रहेंगे, और सबसे यही उम्मीद करते हैं कि सबको अपने अपने घर पर ये ले करके करें, जिससे कि सबको ठीक रहे, सभी कोरोना भाग जाए। देखिए, इनका कहना है कि 21 दिन के लॉकडाउन, 21 दिन यानी 14 तारीख तक लगातार यहाँ लॉकडाउन का पालन कराने के लिए यहाँ पे लोग रहेंगे, ताकि लॉकडाउन का 100% पालन हो सके। ये जो खाद्य सामग्री देने वाले भी समाज से भी जो हैं, ये भी अपना निरंतर कार्य कर रहे हैं। इनका कहना है कि कल 5 तारीख को 9 बजे 9 मिनट के लिए देश के प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता को संबोधित किए हैं, कि घर के दरवाजे पर जो है टॉर्च, मोमबत्ती, फ्लैश लाइट, इन सब का उपयोग करें, बालकनी में निकल के जो है इस चीज़ को जलाएं, रोड पर ना निकलें, भीड़ इकट्ठा ना कर, देखें इनके हाथ में मोमबत्ती है,
ये गरीब लोगों को वितरण किया जाएगा ताकि उस चीज़ का लोग पालन कर सकें, क्योंकि उनके पास मजदूर थे, काम करते थे, तो उनको खाने का दो वक्त की रोटी मिलती थी। आज लॉकडाउन की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसके लिए इन लोगों के द्वारा मास्क, मोमबत्ती, ऐसी चीज़ों का, राशन का जो है व्यवस्था की जा रही है। कहीं ना कहीं काफ़ी सराहनीय कार्य है। मैं भी आपसे एक बार निवेदन करेंगे कि आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर से लगातार बार बार हाथ धोते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग को बना के रखें ताकि कोरोना से निजात मिल सके। और इन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों का कार्य जो इन लोगों द्वारा किया जा रहा है काफ़ी सराहनीय है। कैमरामैन कंचन द्विवेदी के साथ मैं प्रदीप तिवारी, भारत न्यूज टीवी, सिंगरौली। बाकी की खबरों के लिए बने रहे भारत न्यूज टीवी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।